दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोग का नया ब्लॉग बना, वेलकम। तो दोस्तों हम फिर गांव गए थे, गांव से कलकत्ता है, तो इसलिए इधर ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, इधर बहुत बिजी थे। दूसरी बार यहाँ कि मेरा इलेक्शन ड्यूटी आ गया था ना, तो इसीलिए कल ट्रेनिंग अटेंड किए, आकर गाँव से आकर तो सो गए थे। फिर जाकर ट्रेनिंग अटेंड की, ट्रेनिंग खा के खाना पीना खा के सो गए, इसीलिए कर नहीं पाया, थका नहीं था। जब वीडियो तो बनाया था लेकिन वही हुआ था 2-3 मिनट का, तो इसलिए अपडेट नहीं किए, क्योंकि सारा दिन फिर कुछ किए नहीं, जाकर तो सो गए। तो हाल फिलहाल अभी हम गांव जा रहे हैं, हम भाई का शादी में, तो आज गांव की तरफ निकल रहे हैं। हम रेडी वगैरह हो गया, गर्मी में हाफ टी शर्ट पहन लिया हूँ, ऐसी मेरा एक ही बैग रहेगा, एक बैग रहेगा। अब चलते हैं इधर, नहा धो के पूजा पाठ कर लिए, और को जो रात जो खाना बनाए थे तो वही रख दिए थे, बासी खा लिए। इसके बाद देखेंगे इधर बाहर में जो कुछ मिला है खाने को तो खा लेंगे। इधर देखिए कितना गर्मी लग रहा है, इसलिए हाफ टी शर्ट पहन लिए। तो चलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। आज जाएंगे तो जनरल बोगी से, रिजर्वेशन तो मेरा किया नहीं है, रिजर्वेशन तो किए नहीं क्योंकि मेरा को ठीक नहीं है, अभी है तो नहीं है, आना जाना होते जा रहा है, इसलिए रिजर्वेशन आज किए नहीं। तो अभी चलिए दोस्तों चलते हैं जम्मू तभी से, यदि ज़्यादा भीड़ भड़ाका होगी तो फिर ट्रेन छोड़ देंगे, नहीं तो ज़्यादा भीड़ भड़ाका चल जाएंगे रिजर्वेशन में। आज यदि भीड़ भड़ाका नहीं हो तो फिर चल जाएंगे जनरल बोगी में, और ज़्यादा भीड़ वो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होगा तो छोड़ के चल जाएंगे शाम का ट्रेन से। तो चलिए दोस्तों हमारा ब्लॉग वीडियो बना रहे, इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। अब चलते हैं, तारा घर से बाहर निकलते, इसको दिखाते हैं। लिया बैग ले लिए, अब चल दिए गांव की तरफ। तो अभी हाल फिर हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो देखिए दरवाज़ा चेक कर लेता हूँ, सब बंद है, भगवान जी को प्रणाम कर देते हैं, सही सलामत पहुँचे। अब चलते हैं घर से निकल गए, क्योंकि आज ज़्यादा सामान तो है नहीं, थोड़ा बहुत सामान है इसका वो चलेंगे। ट्रेन है कलकत्ता स्टेशन से, तो हाल फिलहाल में यहाँ से घर से निकल चुके हैं, तो जा रहे हैं यहाँ से सबसे पहले मेट्रो, मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो पकड़ के चलेंगे सबसे पहले शाम बाजार, नहीं तो बिलगछिया, बिलगछिया से चल जाएंगे सिद्धपुर। तो यहाँ से ट्रेन है 12:15 बजे इसमें, तभी मेरा बस जरा 7:45, क्योंकि जाने में तो लगेगा समय। फिर देखते हैं वगैरह कुछ कर लेंगे, करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जनरल से ज़्यादा लंबा लेन देना पड़ेगा, तो फिर चलते हैं मेट्रो अंदर कहाँ से लेंगे, ठीक है, टिकट लेकर ये हमारे लिए सबसे तो दोस्तों मेट्रो के टिकट का दिया रहा, मेट्रो के टिकट, और फिर तो ऊपर गया क्योंकि मेट्रो भी आ गई है, दोस्तों भी चलेंगे मेट्रो आके खड़ी है। तो मेट्रो सुधर गया, अब चलते हैं बाहर की तरफ, यहाँ से पकड़ेंगे बस, निकल रहा है बाहर। बस उतर गया है और चल रहा है कलकत्ता स्टेशन की तरफ, तो 2 लीटर का पानी हुई ले लिए, अब चलते हैं कि कभी टाइम हो रहा है 10, जाएंगे वहाँ पे टिकट वगैरह काट के जनरल बोगी में लंबा लाइन देंगे। तो देखिए रास्ता खाली, इस रास्ता भाई पीछे जो देख रहे हो बोला वो वर्टिकल है, इसमें सब गाड़ी का पार्किंग यहाँ पे होने से पूरा, इसमें जैसे पीछे जो देख रहे हो बिल्डिंग वर्टिकल अस्पताल है, इधर आपका बल्कि अच्छे से क्रम निकल जाए इधर शाम बजे। तो चलिए अब चलते हैं कलकत्ता स्टेशन की तरफ। देखिए तो हम कलकत्ता स्टेशन पहुंच गए, कलकत्ता स्टेशन ये रहा रेलवे स्टेशन, अंदर ही अंदर से लेते हैं पैसों से प्लेट टिकट, टिकट लेके फिर चलेंगे प्लेटफॉर्म के अंदर, फिर जनरल बोगी के लिए लंबा लेन देना पड़ेगा, जैसे ट्रेन आएगी चढ़ेंगे, इसके बाद देखिए कहाँ पहुँच जाएंगे आपको बताएंगे। तो पहुँच गए कलकत्ता स्टेशन, तो चलते हैं सबसे पहले टिकट काउंटर, यहाँ से लेते हैं जनरल बोगी का टिकट। तो टिकट काउंटर में आ गए, लंबा लाइन दे दी है, इसको देते हैं टिकट कटवा दिए, टिकट कर दिया, चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ। अच्छा कहता भीड़ है, चलिए बंद प्लेटफॉर्म के अंदर, अब चले गए, मेरा प्लेटफॉर्म 5 है, 5 में मेरा ट्रेन लगी हुई है या नहीं पता नहीं, कि बाहर में बोर्डिंग लिखा हुआ है, तो चलते हैं फिर, नहीं तो फिर ट्रेन का वेट कर लेते हैं। दोस्तों नीचे ट्रेन लगी हुई है जो मुझे भी मुझे पता नहीं था, लगा लेट से होगा, लेकिन बहुत झंझट लग चुकी है, जनरल में था पता नहीं है सीट मिलेगा नहीं, और दूसरी बात है कि 500 रुपये कहाँ निकले तो मुझे पता नहीं, लग रहा कहीं खो गया है, हाथ कर नहीं पा रहा। तो चलिए देखते हैं जनरल में इधर की तरफ है, सामने की तरफ है, चलना पड़ेगा सामने की तरफ, वहाँ से अच्छा खासा दूर है, तो चलेंगे पैदल, चल पर देखते हैं क्या हो रहा है, टिकट मिले बात तो टिकट मिल गया, सॉरी सीट मिलेगा कि नहीं, सीट नहीं मिलेगा तो हो गया मुश्किल, आप एक दुकान भी है तो
दूल्हा दुल्हन भी जा रहे हैं, देखिए नया नया शादी है, ये लोग भी जा रहे हैं, कहीं जा रहा होगा करना। प्लेटफॉर्म 5 में लगी हुई है हमारे जम होता भी जो भी चलना है सामने की तरफ। इतना चला कि पूरा पसीना आ गया, आखिर में जनरल बोगी तक पहुंच ही गए, देख सब रहा जनरल बोगी। तो देखते हैं, भीड़ भाड़ा का तो है नहीं, देखेंगे विंडो वाला सीट मिलेगा तभी लेंगे। अभी हाल फिलहाल सीट तो खाली ही है, सेकेंड क्लास, इतना भीड़ नहीं है। चलिए बच गए, आराम से घर पहुंच जाएंगे। उसे मेरा सीट मिल गया, 11 नंबर सीट वैसे नंबर दिया हुआ है, लेकिन सिंगल वाला सीट मिला है, इसी का सीट बैठ के चलेंगे। तो फिर आनंद हो जाएगा, ट्रेन डब्बा खाली है, देख रहे हैं। अभी तो पैसेंजर का आया नहीं, पैसेंजर आएंगे तो ट्रेन बहुत लाख लग चुकी थी, तो अभी उधर चल रहे तो बैठ गया आराम से। तो अभी 10:32 हो रही है, ट्रेन खुलने में भी है बहुत समय, तब तक बैठेंगे क्या करेंगे। और कुछ बच्चा कुछ खा नहीं पाए जल्दबाजी में, तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा लोग हैं तो सब खुश है, सोते हैं घर का। पूरा ट्रेन खाली है, ट्रेन खुलेगी 12:15 के बीच में, तब तक हम बैठे रहेंगे यहीं पे अकेले। बहुत बोर भी हो रहा है, बाहर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि बैग तो गाड़ी के अंदर छोड़ दे के बाहर जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। और यदि बैग बाहर लेके जाएंगे तो सीट में कोई बैठ गया तो फिर भी गया बोर्ड में, तो क्या पता, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, तो खुलने का टाइम समय पर देखेंगे तो पर ट्रेन भी बुरा खो गए, तो जनरल बोगी भैया कुछ भी हो सकता है, इसका हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। साइकिल अकेले बैठे बैठे आप लोग से बतिया रहे हैं है नहीं, तो पर ट्रेन पर खाली है, ट्रेन को हो गया टाइम 11:45 हो गया, ट्रेन खुल गई, हम लोग चलती है तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी ट्रेन तो खुली है, पता नहीं कौन सारा दिन का सफ़र है, इस गर्मी में जा रहे हैं जनरल में, जनरल भी भीड़ भड़का हो गया है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल गई है धीमे धीमे, क्योंकि ये सब जनरल बोगी का अच्छा खासा लंबा लाइन दिया हुआ है, जनरल बोगी भीड़ भड़का हो गया है। तो कितना गर्मी है, पूरा तो कड़क धूप है, और मेरा विंडो का सीट है तो विंडो तरह बैठे हुए है, तो देखिए आपको दरकार है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम विंडो बंद कर दिए हैं कि बहुत था गर्मी, और गर्मी का हवा चल रहा था, हम सब विंडो बंद कर दिए, अब चलते हैं आराम से। एक दूसरे दक्षिणेश्वर पहुंच गए, दक्षिणेश्वर का फ्लाई ब्रिज है, ये बगल में मंदिर है दक्षिणेश्वर का। तो देखिए दोस्तों कितना सा व्यू से आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो ये रामा दक्षिणेश्वर का मंदिर जो कि माँ काली का मंदिर है, तो हम इसे दर्शन कर लेते हैं, माँ काली को दर्शन करके चलते हैं गांव की तरफ। तो देखिए दोस्तों आगे हम लोग दक्षिणेश्वर ब्रिज जो कि बाली ब्रिज से नाम जाना जाता है, और दक्षिणेश्वर के ब्रिज से तो ब्रिज बहुत लंबा है, बहुत बड़ा भी ब्रिज है, देखने में कितना सा ब्रिज लग रहा है। ब्रिज से क्रॉस किए बहुत दिन हो गए, तो बहुत दिन के बाद क्रॉस कर रहे हैं, तो चलते हैं फिर। और देखिए दोस्तों कितना अच्छा ब्रिज है, पानी हम दोस्तों आ गए झारखंड, क्योंकि झारखंड का बॉर्डर आप क्रॉस कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा बराकर ब्रिज, जो कि बहुत बड़ा ब्रिज है, जो कि कुल्टी पे पड़ता है। देखिए कितना बड़ा ब्रिज है, कितना ऊंचाई भी है, यहाँ सबको दिखाते हैं नीचे, क्योंकि नीचे का आदमी दिखेंगे बहुत आपका छोटा छोटा। तो देखिए दोस्तों ये जहाँ इंसान देखिए कितना छोटा नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों आखिर में हम ट्रेन से उतर गए, कितना भीड़ भड़ा का जनरल बोगी में, तो समझे कितना कष्ट का है, कितना लोग कष्ट कर का है जनरल में, बड़ा भीड़ भड़ा का है। हाल फिलहाल हम ट्रेन से उतर चुके हुए हैं हजारीबाग रोड स्टेशन में, सो अब चलते हैं बाहर की तरफ, तो देखें कि जनरल बोगी कितना भीड़ भड़ा का था। जनरल बोगी में हम
आराम से आए। तो चलते हैं फिर बाहर की तरफ, यहाँ से आएगा मेरा मौसी का लड़का, इन लोग से मुलाकात करेंगे, इसके बाद फिर ट्रेन पकड़ के निकलेंगे अपने घर की तरफ। सामान बोलो बिना बना रही है और देखते रहिए। तो अभी हाल फिर चलते हैं तो प्लेटफॉर्म इधर, वो आ गया है बाज़ार की तरफ। ये हजारीबाग रेलवे स्टेशन और उधर हम लोग का बाज़ार, जो कि यहाँ से हम लोग आते हैं बीस मिनट सरिया बाज़ार लेने के लिए। तो हाल फिलहाल तो मेरा घर से यहाँ तो 25 किलोमीटर है, तो मेरा मौसी घर तो यहाँ पर सामने है। तो मेरा दो आ गया मौसी का लड़का, चलिए अरे भैया कर दिया यार, आधा ही प्रणाम करना चालू। दोस्तों हम लोग आ गए और रेलवे स्टेशन के सामने आ गए, अभी हाल फिलहाल हम लोग बैठे हुए टेम्पो का ऊपर, सीट नहीं है तो नीचे हम लोग ऊपर बैठे हैं। तो हम लोग ऊपर बैठे हुए आनंद लेते हुए जा रहे हैं, देखिए पूरा टेम्पो के ऊपर आराम से घर पहुंच गया। अभी टाइम हो रहा 10, पहुंच गया अभी, सब गया छत के ऊपर, अभी हम नीचे आए हुए, हम जा रहे नहाए जा रहे अभी नहाने के लिए, नहा धो के खाना खा के सो जाएंगे। यदि आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल अब नया हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हम मिलते हैं अगला ब्लॉग वीडियो में, तब तक वो धमाके धमाका वाला वीडियो अगला ब्लॉग होगा मेरा।